और देखिए जो जीते हैं, जो विधानसभा चुनाव में जीत कर आए विधायक, उनको घर का आवंटन और घर के रंग रोगन की जो कार्रवाई है ना, वो शुरू हो गई है। बेबी रानी मौर्य, शिवपाल यादव, इन्हें तो बाकायदा घर का आवंटन कर भी दिया गया है। इसी को लेकर और क्या क्या तैयारियां हो रही हैं, उसका जायजा एबीपी न्यूज संवाददाता संजय त्रिपाठी ने लिया। रिपोर्ट दिखा देते हैं आपको। 2022 का विधानसभा जीतकर अलग अलग क्षेत्रों से आए विधायकों का लखनऊ आना जारी है, और ऐसे में अब उनको सबसे पहले आवश्यकता है तो यहाँ रहने के ठिकाने की व्यवस्था है कि सभी विधायकों को यहाँ सरकारी आवास दिया जाता है। मैं इस वक्त OCR बिल्डिंग में खड़ा हूँ, जहाँ की तस्वीर आपको दिखाऊंगा कि नवागंतुक विधायकों के लिए जो तैयारियाँ हैं विधायक आवास में, वो शुरू हो चुकी हैं। यहाँ आप देखेंगे कि अंदर पुताई का काम चल रहा है, और ये जो फ्लैट है ये समाजवादी पार्टी के एक विधायक को अलाट हुआ है, और रंग रोगन यहाँ लगातार जारी है। भीतर की ओर लेके चलूँगा आपको और दिखाऊंगा किस तरीके से यहाँ लगातार जो साफ़ सफाई है, जो फर्नीचर का काम है, वो सारा काम किया जा रहा है। और विधायक और उनके जो समर्थक हैं वो आकर के यहाँ देखते भी हैं, निरीक्षण भी करते हैं कि जो कामकाज है वो ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्या इंतज़ाम किए जा रहे हैं, कितने विधायकों को अब तक OCR बिल्डिंग में आवास दे चुके हैं। अभी 18वीं विधानसभा गठित हुई है, जिसमें नए हमारे माननीय विधायक गण आ रहे हैं, तो उनके लिए करीबन 5 आवास अभी तक हम लोगों ने रेडी करके उनको कब्जा देने का काम किया है, और उससे कब्जा देने के पश्चात उनको फर्नीचर की साथ सज्जा की सामग्री की प्रोसेस चल रहा है। उनको विद इन 15 दिन में सब कंप्लीट करके सारे मकान दे दिए जाएंगे। OCR बिल्डिंग में कुल कितने आवास हैं जिनमें विधायक रहते हैं? अभी वर्तमान में 20 विधायक रह रहे हैं और 24 विधायकों का आवंटन और हुआ है यहाँ पर। जी, कुछ प्रमुख नाम हमें बताइए जिनको आवास आवंटित किया गया हो। बेबी रानी मौर्य और शिवपाल यादव का नाम तो हमें पता है। जी 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 जी, उन दोनों लोगों को दिया जा रहा है, उसमें भी काम चल रहा है, उन आवासों में भी काम चल रहा है, और जैसे जैसे काम होता जा रहा है हम माननीय विधायक जी को आवास उनको हैंड ओवर देने का काम कर रहे हैं। कुछ विधायक कह रहे हैं कि भाई हमको आपने ऊपर दे दिया, अब हमको गाय पालनी थी, नीचे का फ्लैट दीजिए, इस तरह के मसले भी तो आपके सामने आ रहे होंगे। नहीं, आते रहते हैं, लेकिन वो है कि इस पे जो विधायक निवास है परिवर्तन भी होते रहते हैं आवास, अगर असुविधा हो रही माननीय को तो उससे हिसाब से परिवर्तन भी किया जा सकता है। अच्छा। ये हमारे जो उच्च अधिकारी और जो कमेटी में बैठते हैं वो लोग करते हैं। अच्छा। ये हमारा सिर्फ काम है अध्यक्षों को मकान देना, उनकी सेवाएँ सुचारू रूप से देखना, बिजली पानी जो सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये चीज़ें हम लोग देखते हैं, और साफ सफाई का काम भी लोग करवाते हैं। जी, ये पवन यादव हैं जो बता रहे हैं कि लगातार काम जारी है OCR बिल्डिंग में, जो फर्नीचर का काम है वो करके दिया जा रहा है। देखिए अलमारी को भी पेंट किया गया है थोड़ी देर पहले, अंदर गंदगी है, और जैसा जो विधायक बताते हैं यहाँ जो आवंटित जिनको फ्लैट ये आवंटित किए गए हैं वो बताते हैं आकर के, और उस हिसाब से यहाँ जो व्यवस्था है उसके हिसाब से कामकाज किया जाता है। तो रंग रोगन शुरू हो गया है, इंतज़ार किया जा रहा है कि जिन विधायकों को ये आवास आवंटित हुआ है वो जल्द से जल्द आकर यहाँ पर रहें। कैमरामैन फैसल के साथ संजय त्रिपाठी, एबीपी न्यूज लखनऊ। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।